अच्छा जब भी मैं कहूँ कि आज तुम तीनों मेरी शक्ल के आगे नाजिल क्यों नहीं हुए, करण ने बांध के जो बिठाया हुआ। लुशी आराम से बैठ जाओ। बैठ तो गई हूँ। अब सोचिए। क्या सोचूं? अरे यही जो हम सब सोच रहे हैं। अबे बावले मुझे क्या पता कि तू क्या सोच रहे हो सारे। मैं बताती हूँ, हम सब ये सोच रहे हैं कि भाई अब बहुत हो गई, अब इज्जत के साथ ना कुछ पैसे कमाए जाए और इज्जत की जिंदगी गुजारी जाए। तुम सारे एक साथ सिर्फ एक ही बात सोच सकते हो। हम सब एक साथ बात सोच सकते हैं, कैसे? वो यही कि भीख कैसे मांगे। नहीं वो तो हम अभी भी मांग रहे हैं, लेकिन अब कुछ इज्जतदार तरीका सोचना चाहिए। वैसे आइडिया तो बड़ा अच्छा है, मुझे भी इस मुहिम में शामिल कर लो। अरे तो इसीलिए कहा है बैठो और सोचो। ओहो खैरन, बैठ के सोचने से कुछ नहीं होगा, जब तक हम आपस में डिस्कस नहीं करेंगे आइडियाज कैसे आएंगे। हाँ तो प्यारे तुझे क्या लगता है? हाँ मैं तो आप अच्छी लगती हैं। ओहो बकवास बंद कर। बबन तुझे क्या लगता है? नुशी, मुझे लगता है कि हमें दिसंबर की 12 तारीख तक शादी करके मरी चले जाना चाहिए हनीमून के लिए। तो एक नंबर का मनुष्य, तेरी विकेट भी गई। एवाजी तू बता। अरे हमारे ख्यालात जरा इन दोनों से मुख्तलिफ है। अरे तो फूटो ना, बोलो। हाँ तो बोल रहे हैं ना, बीच में काट रही हो हमका। बोलो। हमारा ये प्रोग्राम है कि आपकी हमारी शादी तो तय है पहले से, लेकिन उससे पहले इम्पोर्टेंट काम एक और है, ये खैरन को ना कहीं ठिकाने लगाना होगा, फिर आपकी मर्जी जहाँ हनीमून पर ले जाओ। वाह वाह वाह, ये तुम्हारे दोनों महमूद बेटे और ये सड़ा हुआ शोहर है ना, ये सिर्फ तुम्हें जलील और ख्वार कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। बस मैंने सोच लिया, आज इन तीनों की टांगे काट के इम्प्रेस मार्केट में बेचने जाऊंगी। इस कमबख्त की टांग तो कोई थूकेगा भी। अरे कसाई बन जाओ ना, ये खाद तोड़े ये तोड़े सब तोड़ दो। उठो यहाँ से। अरे चलो चलो। अरे अम्मा। वाह नौशी वाह, क्या आइडिया निकाला है तूने, मजा ही आ गया भाई। वाह आओ प्यारे बबन आओ। लो भाई हमारे जलील होने का वक्त शुरू हो जाता है। ओहो जलील हो रहा है, बैठ जाओ ना। हाँ बैठ जा, बोलिए। हाँ मुझे तुम दोनों से ना काम की बात करनी है। नौशी काम की बात करने से पहले ये सबाग में रख लीजिए कि हमारे पास फकीर का कटोरा खरीदने के पैसे नहीं। हाँ भाई पैसे दिए बगैर अगर बिजनेस शुरू हो जाए तो फिर ठीक है। हाँ पैसे दिए बगैर ही बिजनेस शुरू होगा, फिक्र मत करो। अच्छा देखो मुझे बताओ, सबसे पहले जब हम इस मुल्क से बाहर जाते हैं या शहर से बाहर जाते हैं तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? वॉशरूम। ए गधे पैसों की। ओ नहीं ओए, ओ पैसों की जरूरत तो कब पड़ती है ना, जब हम घर से निकलते हैं। हाँ देखा वॉशरूम की जरूरत ही होती है। नहीं नहीं तो मैं मुझे नहीं पता। गिव अप। ओहो जब भी कोई बाहर जाते हैं तो हमें रहने के लिए जगह चाहिए होती है। हाँ नहीं जगह तो सबको चाहिए होती है। होशियार नहीं बनो, आगे बताइए। तो हम सबसे पहले होटल ढूंढते हैं। हाँ होटल ढूंढते हैं, सही कह रही है। होटल ढूंढते हैं नौशी, जिस तरह अपन लोगों ने दुबई के अंदर होटल ढूंढा था। लेकिन नौशी उसके तो पैसे देने पड़ते हैं, उससे पैसे मिलते थोड़ी। तो यही तो बता रही हूँ, हम भी अपने इस घर के दो कमरे जो है ना किराए पर दे देंगे उन मुसाफिरों को। लेकिन नौशी मुसाफिर को पता कैसे चलेगा कि हम घर पे कमरे किराए पे दे रहे हैं? ओ वो एप्लीकेशन के जरिए ना। अरे वो का भला होती है? ओ भाई तुम्हें कुछ भी नहीं पता, एप्लीकेशन होती है ना इंटरनेट पे, जहाँ लोग दुनिया के कोनों कोनों से इश्तेहार डालते हैं ये बताने के लिए कि उनके घर में कमरे खाली हैं। ओ ठीक है नौशी, फिर मैं अभी इश्तेहार डालता हूँ अपने घर का। अरे घर का नहीं खाली कमरों का। ठीक है कमरे का डालता ताकि लोग खाली कमरा खरीद लें। लेकिन नौशी ये बात बताइए कि एक दिन के कितने पैसे मिल जाएंगे? एक दिन के 10,000 रुपए। 10,000 रुपए नौशी, अगर एक दिन के 10,000 रुपए और फर्ज करो कि एक जना आके 3 दिन हमारे पास रहता है तो ये तो पूरे 900 रुपए हो गए नौशी। 30,000 रुपए हो गए। अरे 30,000 कैसे होंगे, कोई पूरे महीने के लिए थोड़ी आएगा। लेकिन हाँ मुल्क के हालात बहुत अच्छे, लोग आएंगे इंशाल्लाह आएंगे। आएंगे आएंगे। हाँ हाँ आएंगे, इसीलिए हम तस्वीरें खींच के डाल देते हैं कमरों की। तस्वीरें क्यों नौशी? ताकि उनको कमरा दिखा सके। नौशी कमरा तो हम सब ने देखा है यार। पागल कहीं के, उन्होंने नहीं देखा ना उनको दिखाने कमरा, दिमाग का कटाखट बना देता। चलो अंदर। अल्लाह मियाँ अब किराए पे कोई कमरा लेने या लेने वाली आ जाए तो बेड़ा पार है हमारा। खैरन खैरन खैरन। अरे क्या हो गया खैरन खैरन, है मेरी एम्बुलेंस क्यों सायरन बजा रहे हो? अरे खबर लाए हैं जबरदस्त वाले। अच्छा बताओ।
अरे नौशी के मोबाइल पे अभी अभी मैसेज आया है किसी का और वो हमारे घर आ रहा है अभी। ये कौन सी खबर है? अब मेहमान आएगा बिला वजह के खर्चे होंगे। अरे खैरन मेहमान वो वाला नहीं, मेहमान वो वाला जो कमरा किराए पर लेने आ रहा है। सच बताओ? अरे बिल्कुल सच। अरे वो कोई पाकिस्तानी मशहूर सिंगर है जो अब यूके में रहता है और यहाँ आ रहा है। अरे वाह, जिंदगी में पहली बार नौशी ने कोई आइडिया दिया है अच्छा वाला, मजा आ गया। आ गया ना मजा। अरे वैसे खैरन काश अगर हमारी शादी नौशी से हो जाती ना तो आज हम भी अमीर कबीर होते। लानत तुम्हारी शक्ल पे। तुम्हारी शादी तो किसी बादशाह से भी होती ना तो उसकी सल्तनत का बेड़ा गर्क हो जाता तुम्हारी नहुसत की वजह से। हाँ हाँ, ये भी कह दीजिए कि अगर किसी शेख की बेटी को ब्याह लाते तो उनके तेल के कुओं में से पानी निकल आता। हाँ ये बात बिल्कुल सही कही। हाँ ये सही कही, रहने दीजिए खैरन। अच्छा चलो अब जल्दी जल्दी घर की सफाई करें, ये ना हो वो आ जाए किराएदार और घर गंदा पड़ा रहे। चलो उठो। आइए महारानी, ये उड़ते हुए कालीन पे बिठा के लेके जाएंगे क्योंकि सफाई तो हम ही ने करनी है, आपको हुक्म चलाएंगे। चलो चलो चलो, ज्यादा बकवास नहीं करो, ज्यादा इशारे ना करो। अरे चलो आओ 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 जल्दी आ जाओ। बात सुनो प्यारे और बबन, अच्छे से इस्तकबाल करना दोनों। अरे परेशान ही नहीं हो, एकदम दामादों वाला इस्तकबाल करेंगे। नौशी जी मैंने दोनों के लिए तीन तीन तावे झुके हुए स्टेप भी किए हुए। कोई जरूरत नहीं है शोरगुल करने की, अब रेडी रहो, मैं दरवाजा खोल रही हूँ। तैयार। ये सब क्या हो रहा है भाई? अरे हम समझे थे आपके साथ कोई जनाना होंगी, लेकिन आप रख लीजिए ना, कोई बात नहीं। ये क्या है भाई? ये देखो आपकी ड्रिंक, वेलकम। यार कमाल है, आपने तो जबरदस्त वेलकम किया है, फैंटास्टिक मैन। हम तो ऐसी करते हैं अपने किराएदारों के साथ भाई। किराएदार? मैं तो सिर्फ एक दिन के लिए आया हूँ भाई। लो बताओ, एक दिन के लिए आए हैं? इतना महंगा टिकट जाया कर दिया, एक दिन में सिर्फ कायदादों का मजार ही देख पाएंगे? और पागल आदमी समंदर भी जा सकता है। हाँ समंदर रात को खुला होता है। अब रात को खुला होता है ये नहीं पता मुझे। ये अपने काम के सिलसिले में आए, घूमने फिरने नहीं। अच्छा क्या कर रहे हैं आप आजकल बताइए? मैं कुछ फिल्म्स बना रहा हूँ वर्ल्ड वाइड, उसके लिए कुछ एक्टर्स मेल्स फीमेल्स ढूंढने आए। आपको जानवर नहीं चाहिए? हमारे घर में बहुत सारे मिलेंगे अभी। नहीं चलिए हम अंदर ही चलते हैं। हाँ इनको लेके अंदर जाइए। हाँ आप दोनों इनको लेके अंदर चलो। प्यारे जरा मार्केट से ऊपर चलो, ग्लोरी से ले रहे हैं अपने। और जो बाहर सारी कारें खड़ी ना उसमें पेट्रोलियम भी तो डलवाना है। किसने से कहा तुम दोनों को ये? गूगल। चलिए हम अंदर चलते हैं। चलिए चलिए हम आ रहे हैं। गो इनसाइड दी कम। वी जॉइन यू। यू आर अ रेस्ट इन पीस चाइल्ड ऑफ। चलिए चलिए चलिए। नौशी इनका कोट ले लेना, बाद में चेस खेलेंगे इसमें। ठीक है। ऑरेंज या ब्लू? ग्रीन रेड। अरे नहीं पिया नहीं पिया। चिड़िया उड़ी, कमा उड़ा, बिल्ली उड़ी। अरे बस करो, थक गए। आइए 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 अंदर आइए। ऐसा नम तेरी आँखों में गुम, ऐसा नम अरे तेरे ख्वाबों में गुम, ऐसा नम तेरे बैग में गुम। चॉकलेट लाओ। ये कौन है? हम घर वाले। अरे ये यासर अख्तर है। वो कौन है? अरे वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर और सिंगर और वो बड़े ये बैग वाला जिसमें चॉकलेट है। वैसे इस घर में और कितने लोग रहते हैं? कुल मिला के पांच। मतलब ये आखिरी दो थे ना, डेढ़ मेरा मतलब। देखिए यासर अख्तर साहब, बात ये है कि हम एक से ज्यादा हैं, लगते जरा कम है। अच्छा नौशी आप जरा मुझे कमरा दिखा देंगी? अरे कमरा भी देख लीजिएगा, पहले खैर खैरियत तो हो जाए। अरे वाह वाह वाह, आपके रिश्तेदार तो कभी मुल्तान से आगे गए ना है। ये यूके में कौन से रिश्तेदार है जिनकी खैरियत पूछेंगे आप? अच्छा नौशी सामान रख कर ना, मैं फौरन नाश्ता करूंगा। नाश्ता? हाँ हाँ, आपने ब्रेकफास्ट लंच और डिनर पे टिक किया हुआ था ना? हाँ तो दे देंगे, अब शामिल किया है तो दे देंगे, कौन सी बड़ी बात है, खिला देंगे ना। अरे कैसे खिलाएंगे, तीन टाइम का खाना से देंगे है? क्या खिलाएंगे नाश्ते में? अरे खिला देंगे ना नाश्ते में, चाय और कॉफी और लंच में तो फिर खाली पीली, और रात में बगैर चिकन की बिरयानी शादी वाली। वजीर खैरन ये यासिर जो है ना, ये वो यूके में फिल्में बनाते हैं तो उन्हीं फिल्मों के सिलसिले में ना यहाँ पे अदाकार ढूंढ रहे हैं। अरे अच्छा अच्छा, अरे आपको तो यहाँ एक से एक अदाकार मिलेंगे, बस जल्दी से पैसे दे दीजिए। जल्दी पैसे दे दीजिए। चलो तुम इनको कमरे में फेंक के आओ। बड़े जिद्दी हैं, ले लीजिए, गिन कर लाया था। चलिए मैं आपको कमरा दिखाती हूँ। गिन लिए दो ही तो दिए। अरे जल्दी ले जाइए ना। अस्सलाम वालेकुम। यस आई एम इन पाकिस्तान राइट नाउ। जी यूके से आया हूँ अभी। अच्छा असल में कुछ थोड़े दिन और लगेंगे कास्टिंग में, मैं अब इस वक्त गेस्ट हाउस में हूँ एक जी, कल सुबह मुलाकात होगी आपसे। तो फिर आप ऐसा कीजिए कि बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो प्रिपेयर कर लें, फिर आपसे
जी, I'll just call you back in 10 minutes. Okay, okay. वजीर साहब, ये क्या है? अरे ये गेटअप है आपकी नई फिल्म के लिए. आप तो बिल्कुल क्लिंट ईस्टवुड लग रहे हैं यार. कहाँ लग रहे हैं? वो एक हॉलीवुड के एक्टर हैं, बड़े पॉपुलर. और मुझे वैसे भी कॉबॉय की जरूरत थी अपनी फिल्म के लिए. अरे वाह, तो आप हमका अपनी फिल्म में हीरो लेंगे ना? वजीर भाई, गेटअप के साथ साथ एक्टिंग भी होनी चाहिए. अरे एक्टिंग ऐसी वैसी करते हैं हम के तमिल हीरो हमसे पनाह मांगते हैं. आप भी उनकी तरह लंबी लंबी छोड़ते हैं? अरे ऐसी वैसी यासिर भाई, अरे एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग छलांग लगाकर नीचे गिर सकते हैं. उसे तो स्टंट कहते हैं, मुझे एक्टिंग चाहिए मेरे भाई. अरे तो ये लीजिए. चौधरी, हम तोहार इतने टोटे करेंगे, छोटे छोटे छोटे, के चुनते चुनते तोहार माँ और तोहार फूफो दोनों के बाल और सफेद हो जाएंगे. ये आप यूके की फिल्म में पंजाबी बोलेंगे, कैसे समझ आएगी उनको? अरे वो असल में कहा है ना यासर भाई, का हमका अंग्रेजी ना ही आती. ये तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा. आपको अंग्रेजी नहीं आती और अंग्रेजों को पंजाबी नहीं आती, तो फिर मिलन होगा कैसे? ये कभी तो होगा मेरा मिलन, आहा, तुझी से होगा. ओ, रखूंगा तुझे ही दिल में बसा के, कहीं नजर ना लगे. अरे आपके लिए तो हम अंग्रेजी भी सीख लेंगे और यासर भाई आपके गाने भी सीख लेंगे. बस आप अंग्रेजी सीखें ताकि जल्दी से निकलें यहाँ से. अरे बिल्कुल ठीक है, हम अभी आए और अभी चलते हैं. मगर ऐसे हमारे अलावा आपको किन किन लोगों की जरूरत है? मुझे एक हीरो की माँ की जरूरत है जो इमोशनल एक्टिंग कर सके. अरे जुगाड़ हो गई, और बताइए. और वो दो डांसर्स की जरूरत है जो आइटम सॉन्ग पे डांस कर सके. अरे बेहतरीन हो गया, ये तो लगता है पूरी फैमिली को काम मिल सकता है. वो कैसे? आप ज्यादा जहन पर जोर मत डालिए, आप आराम कीजिए, हम आपके लिए अदाकार तैयार करके आते हैं. अरे यात्रा, अब तक जाग रहे हैं? हाँ, वो मैं असल में फ्लाइट में सोता हुआ आया था ना, तो बस. आप क्या करती हैं? मैं इंतजार. बहुत अच्छा करती हैं, लेकिन किस चीज का इंतजार करती हैं? मौके का. वो कहते हैं ना, जिंदगी में एक मौके की इंतजार होता है, वही है. बहुत अच्छा करती हैं. हेलो. ये क्या है करण? ये गेटअप है, यासिर को मेरी जरूरत है. आपकी? हाँ हाँ, वो आप फिल्म बना रहे हैं ना, तो आपको एक अच्छी अदाकारा की जरूरत है. अरे हाँ हाँ, आप तो बिल्कुल वैसी लग रही हैं जैसे मैं सोचता था. आप करण के बारे में सोचते थे? नहीं, मेरा मतलब है कि मेरी फिल्म में एक हीरो की मदर दिखाई है जिसमें बिल्कुल आपकी जैसी सूरत को मैं सोचता था. या अल्लाह, कयामत बहुत नजदीक है. लानत तेरी शक्ल पे. अच्छा आप ये बताइए कि मुझे फिल्म में काम करने के पैसे मिलेंगे ना? हाँ हाँ मिलेंगे, आपकी सोच से भी ज्यादा मिलेंगे. बहुत सारे? बहुत सारे. अल्लाह मैं मर गई. वेरी गुड, वेरी गुड. जल तू जल, बैठ के जल. वाह 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 वाह. खुशी से मर मत जाना. आप बाहर चलते, गर्मी है. आइए. यार प्यारे, मेरे को तो बहुत घबराहट हो रही है यार, ये यासिर के सामने कैसे परफॉर्म करूंगा. अरे परेशान मत हो, ये रहते यूके में लेकिन गए यहीं से, हमारे फन को समझेंगे ये. पक्की बात है? हाँ. मतलब रेट सही लग जाएगा? पैसे वैसे मिलेंगे? अरे मिलेंगे, आओ ना. चल आओ. हाँ हाँ, जल्दी. यासिर भाई. जी भाई. नौसी, आप यहाँ पर क्या कर रही है? हम तो यहाँ ऐसी बैठे बातें करें, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं असल में बोर हो रहा था तो मैंने नौशी को बुला लिया. वैसे अपन लोग भी बोरियत करें, बहुत अच्छा सामान है, कभी इस्तेमाल करके देखो, मजा ना आए तो पैसे वापस. अब इतने बड़े सामान को मैं इस्तेमाल कैसे करूंगा भाई? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम ना वो यासिर भाई की जरूरत पूरी करना है. क्या मतलब है इस बात का? ऋषि जी, हमने सुना है कि यासिर भाई को दो डांसर लड़कों की जरूरत है. हाँ हाँ बिल्कुल है. हाँ तो हम है ना सुपर डांसर. तुम लोग को डांस कहाँ आता? निकलो तो जा, जा. अरे एक मिनट नौशी, एक मिनट. Give them a chance. Come on. हाँ. क्या बोल ले? कह रहे कुछ दो इसको, पता नहीं कहा. ओहो, डांस करने का बोल रहे तुम्हें? हाँ, डांस तो हम करके दिखा देंगे. हाँ. लेकिन म्यूजिक नहीं है ना इधर. अरे मैं हूँ ना यार. आप पे सीडी कार्ड लगी. ये फोन जिंदाबाद. अच्छा सबको मिला देते हैं. हाँ, हाँ. लगाइए लगाइए, अभी देखिए फिर.
यासर भाई हम तो थक गए भाई, भाई थक गए यार। कमाल रोको। कमाल डांस करते कहाँ से सीखा आपने भाई? आपको ये डांस अच्छा लगा? नौशी मुझे कोई प्रोफेशनल्स थोड़ी चाहिए थे, वो तो यूके में बहुत होते हैं। यानी कि आपको हम जैसे बावले चाहिए थे हैं? बावले नहीं, मासूम प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चे आप जैसे चाहिए थे। तो हमारी फिल्म हो गई पक्की फिर? मैं अभी पीए को बोलता हूँ अपने टिकट्स रेडी हो जाएंगे। अबे यूके चलना है, यूक यूक यूके मी एब्सेंट UK and not well. Application 2 days off holiday. तुम क्या मेरे साथ साथ आ रहे हो? मैं पानी पीने आई हूँ। अच्छा, अरे खैरन फिक्र मत कीजिए, अरे हम अब को बॉय आपके साथ हैं आपकी हिफाजत के लिए। मुझे कोई हिफाजत की जरूरत नहीं है, मैं पानी पीने आई थी, समझे? नहीं खारन, हम दोनों अब यूके इंटरनेशनल एक्टर हैं, आप फिक्र मत कीजिए। तुम ऊपर जाओ, मैं पानी पी के आ रही हूँ, चलो। तो सही है। ये आवाज कैसे है? चलो चल के देखते, हमारे ख्याल में अंदर से आ रही है, चलो कमरे में जाते हैं। अरे तुम जाओ कमरे में, मैं आती हूँ अभी, चलो। अच्छा, कहीं अभी तो मेरी हिफाजत के लिए बड़े काउबॉय बने होते, आओ। ये तो यासिर अख्तर है, ये यंग क्या कर रहा है? अरे ओ, इसके साथ स्मार्ट लड़की कौन है? अरे नौशी आप? नौशी आप नहीं, नौशी तू। तुम लोग को चैन नहीं है? तुम लोग इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हैं काम बताओ, आप बताओ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? हमका चैन नहीं आएगा जब तक आप बताएंगे नहीं, इस वक्त यहाँ और इसके साथ। अब वो इनको पान खाना था, मैं पान खाने ले जा रही हूँ, चले चल। ए नौशी, ज्यादा बेवकूफ ना बना। अच्छा ये डिफेंस है, कोई ली मार्केट नहीं है कि रात के 3 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। सच सच बताओ क्या हो रहा था? मैं बताता हूँ, असल में मैं यूके से पाकिस्तान इसलिए आया था कि अपनी फिल्म की हीरोइन मुझे ढूंढनी थी, और वो हीरोइन मुझे नौशी की शक्ल में नजर आई। वाह वाह वाह, कितने आसानी से आपने बता दिया ना। और वो कहा है, वो जो कोप हुआ है वजीर अहमद और ये हीरो की अम्मी करोल, वो का सब झूठ था? आहा, और बबन प्यारे का डांस वाला रोल भी झूठ था। हाँ मैं बताता हूँ, वो झूठ नहीं था, असल में मैं आप सब लोगों का दिल नहीं तोड़ना चाहता। अच्छा, तो तुमने हमारे दिल रखने के लिए हमसे ये बात की है और इसे हीरोइन बना के अपने साथ ले जा रहे थे? ओहो खैरन, परेशान मत हो, मैं पैसे भेज दूंगी वहाँ से। नहीं चाहिए हमका पैसे, हमका अब चाहिए तो बदला, मतलब रिब्रांच। बदला? हाँ हाँ बदला। कौन सा बदला? अभी तुम्हें बताते हैं कैसे बदला लेंगे तुम्हारे झूठ का। ए बबन प्यारे जल्दी आओ, बबन प्यारे अरे आओ।